In the cost of retained earning, as I told you, some of the authors have opinion that KR would be equal to KE. But in reality, in case of cost of equity, we are going to get the two types of benefit. One is the tax benefit and second is the no payment of brokerage charges. जब नया इक्विटी शेयर इश्यू होता है तो उस पर ब्रोकरेज लगता है, कमीशन पे करना पड़ता है, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, वो रिटेन अर्निंग में नहीं लगेगा। तो एक ये बेनिफिट है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी में उतना एक कम हो जाएगा, इतना बेनिफिट आपका हो जाएगा इस वजह से। दूसरा, रिटेन अर्निंग किया है कंपनी ने, ये अमाउंट कंपनी ने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड नहीं दिया है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड की इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स बेनिफिट भी यहां पे हो रहा है। तो आपकी फॉर्मूला यहां पे बन गई थी कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इट इज एडजस्टेड आफ्टर टैक्स बेनिफिट एंड ब्रोकरेज बेनिफिट। तो क्वेश्चन में आपको 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, जो ले लिया हमने 12%। टैक्स जो शेयर होल्डर्स को पे करना है वो 30% है, तो 1 माइनस 30%। रिमेंबर, इन ऑल फॉर्मूला वी कैलकुलेट ऑन ₹1, दैट्स व्हाई वी राइट 1 माइनस टी। एंड ब्रोकरेज इज ऑल्सो 3%, सो 1 माइनस बी 1 माइनस 3%। 100 के ऊपर 12% निकालोगे तो ₹12 आएगा, बिकॉज परसेंटेज इज ऑलवेज 100। 1 का 30% निकालोगे आप तो 1 का 30% होगा 30 पैसा, तो 1 माइनस 30 पैसा 0.30 इंटू, सब जगह पे मल्टीप्लाई है। 3% आपका ब्रोकरेज का जो बेनिफिट हो रहा है, तो 1 माइनस 3% मतलब 0.03, ₹1 का 3%, 1 माइनस 0.03। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ₹1। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, सो 12, 1 में से 30 पैसा माइनस कर दोगे तो 70 पैसा बचेगा, 1 में से 0.03 पैसा माइनस कर दोगे तो 0.97 पैसा बचेगा। सो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आएगी 8.15। तो यहां पे देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बोथ आर नॉट सेम, बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज एडजस्टेड आफ्टर टैक्स बेनिफिट एंड ब्रोकरेज बेनिफिट। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कम आता है। तो दो अलग अलग जो ओपिनियंस थे वो आपको यहां पे बता दिए मैंने। सम ऑथर्स बिलीव दैट KE विल बी इक्वल टू KR, तो वो लोग KR और KE 12% ही लेंगे। बट अकॉर्डिंग टू सम अनदर ऑथर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिकॉज ऑफ दिस टैक्स एंड ब्रोकरेज बेनिफिट। सो यू कैन सी हियर, आफ्टर टेकिंग दिस, आवर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज कमिंग ओनली 8.15। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कम आता है बिकॉज ऑफ दिस टू। अब अभी तक हमने आपको क्या बताया है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं उनमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या तो इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल टेक द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इन चारों को ले लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, एंड दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नाउ द मेन
कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके ऊपर आपको एक फुल फ्लेज एक्सरसाइज आएगा, 100% आएगा, जिसके लिए आपको ये सारी कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग, इन सबका एवरेज निकालना है हमें, एंड दैट वुड बी अवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नाउ वी हैव कम ऑन द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वी हैव फर्स्ट अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअली, नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये तभी आप फाइंड कर पाओगे जब आपके पास सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, कॉस्ट ऑफ डेब्ट KD, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर KP, ये जब सारा आपके पास अवेलेबल होगा तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेट देने के बाद फाइंड कर सकते हो। सो रीड दिस पोर्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वी आर टेकिंग एक्सरसाइज ऑन दिस एंड इट विल बी द फुल फ्लेज एक्सरसाइज ऑफ अबाउट 6 to 10 marks। So weighted average cost of capital, a company's cost of capital is the weighted average cost of capital of various sources of finance like equity share, preference share, debenture, retained earning. This retained earning is also one source of finance. हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि कंपनी अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट कलेक्ट करती है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड करना है। सो कंपनी इज कलेक्टिंग नॉट ओनली बाय द इक्विटी शेयर, इट इज इश्यूइंग नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, इवन इट इज ऑल्सो यूजिंग रिटेन अर्निंग। सो इन सबका एवरेज निकालेंगे, दैट वुड बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, सो एट लास्ट यू कैन सी इन द स्क्रीन, weighted average cost of capital is equal to, you have to take weightage of the sources of fund, proportion of equity into cost of equity, proportion of debt into cost of debt, proportion of preference share into cost of preference share, proportion of retained earning into cost of retained earning, और भी कोई source है तो इसमें आ जाएगा। फॉर्मूला दिखने में थोड़ी हार्ड है, बट बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज से आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसी फॉर्मूला को यहां पे कुछ अलग तरीके से भी बताया हुआ है, द सेम विच वॉज रिटन इन द वर्डिंग। हियर यू कैन सी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KA, क्योंकि उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप KA बोल सकते हो। कुछ लोग इसे KO भी बोलते हैं क्योंकि ओवरऑल है, कुछ लोग इसे KW भी बोलते हैं क्योंकि वेटेड एवरेज है। सो दैट इज इमटेरियल वेदर यू राइट KW, KA, KO, इन डिफरेंट बुक यू विल सी द डिफरेंट वर्ड्स यूज फॉर दिस, डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर दिस। तो कैसे निकलेगा, अगर KA दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मुझे निकालना है तो वेटेज ऑफ डेब्ट दैट इज डिबेंचर इनटू कॉस्ट ऑफ डेब्ट प्लस वेटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वेटेज ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, अगर रिटेन अर्निंग है तो वेटेज ऑफ रिटेन अर्निंग इनटू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जितने भी सोर्सेस होंगे इसमें सारे आ जाएंगे।
और जो भी हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड है उनका हम यहां पे वेटेज लेने वाले हैं। फॉर्मूला से थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, वेट कहां से लेना है? तो वेट आर टेकन डिफरेंटली बाय द डिफरेंट ऑथर। द वेट्स टू बी एम्प्लॉयड कैन बी बुक वैल्यू, आप ले सकते हो, मार्केट वैल्यू है, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट या तो टारगेटेड कॉस्ट, अलग अलग तरीके से होता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। फॉर्मूला थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी बट क्वेश्चन से आपको पता चलेगा ये बहुत सिंपल है। वही सारे स्टेप्स यहाँ पे फिर से बताया है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपको क्या करना है? तो देखो, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेस। जैसे डिबेंचर से कितना रुपया कलेक्ट किया, प्रेफरेंस शेयर से कितना कलेक्ट किया, इक्विटी शेयर से कितना कलेक्ट किया, रिटेन अर्निंग का कितना अमाउंट है, इन सारा जो सोर्सेस ऑफ फंड है उसका टोटल करना है पहले। तो वो तो हमें क्वेश्चन में दिया ही होगा कि इक्विटी शेयर से 5 करोड़ कलेक्ट किया, प्रेफरेंस शेयर से 10 करोड़ कलेक्ट किया, डिबेंचर